दिस इज द इंडियन चीफटेन क्लासिक. इसको देखे सबसे पहले मेरे मन में तो आ रहा था कि इसका वजन क्या है. आई थिंक इट इज क्लोज टू अबाउट 400 to 450 किलोग्राम्स और अच्छे खासे साइज की है. अब क्या क्या है इसमें टेक्नोलॉजी वाइज, क्या क्या है इसमें इंजन वाइज, वी गोना टेल यू एवरीथिंग एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अब गाड़ियों का ऐसा हमने की फॉप देखा हुआ है बट यू आर गेटिंग समथिंग सिमिलर इन दिस. इसको मैं जब अनलॉक करता हूँ आपको आवाज़ भी आ जाएगी. दे अब अनलॉक क्या हुआ है वो है ये कंपार्टमेंट, स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं जो बाइक में दोनों तरफ आपको मिल रहे हैं. इसको अब हमने अनलॉक कर दिया है. देर इज़ वन हियर और इसी के साथ एक यहाँ पे. सो यू गेटिंग टू स्टोरेज कंपार्टमेंट्स डिसेंटली साइज, मतलब कोई बहुत लगेज नहीं है इसमें बट यू कैन प्री मच कीप ऑल योर रेगुलर थिंग्स इन इट. इसको अब मैं बंद करके, टू सीटर मेनली ये बाइक है दो लोगों के लिए एंड यहाँ पे आपको जो सारा इंजन है एवरीथिंग यू आर गेटिंग इज क्रोम बिल्ड, तो उससे वजन थोड़ा सा जरूर एड बढ़ जाता है बट देन इट कीप्स द बाइक कूलर एंड ऑब्वियसली लुक्स मच कूलर. हैंडल पे सबसे पहले जो आप इसका विंडस्क्रीन है उसको ऊपर और नीचे कर सकते हो टू कट द एयर. अभी मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, इसी को ही जब ऊपर करेंगे तो जो इसकी विंडस्क्रीन है ये ऊपर आ जाती है. ये बेसिकली क्या है, विंड को कट करेगी. तो अगर आप बैठे हो बाइक पे, इसको ऊपर करने से जो हवा है वो मुंह पे ना लग के ऊपर से इट विल डेफिनेटली क्रॉस. इसके साथ बाइक को अगर आपने ऑन करना है, मैं एक बार आपको ऑन करके सुना रहा हूँ बट उसका मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि बात हम नहीं कर पाएंगे वंस आई स्विच इट ऑन. सो चेक इट आउट, यहाँ पे प्रेस करके द बाइक विल गो ऑन. जैसे मैंने कहा था अगर मैं बोल रहा हूँ बाइक हमने ऑन रखी तो आप कुछ सुन नहीं पाओगे बट दिस वॉट इट साउंड्स लाइक. अब बेसिकली बाइक में क्या है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ क्योंकि बात करना मुश्किल हो रहा है. ये जो अभी आपने सुना ये एक 1811 cc का इंजन है और इसमें लगभग 21 लीटर्स का जो इसका स्पेस है फॉर फ्यूल, अराउंड 20 किलोमीटर्स पर लीटर का इसका एवरेज मिल रही है बट अलॉन्ग विद दैट इसकी जो टॉप स्पीड है इट इज़ टचिंग अबाउट 140-160 तक भी. दिस इज़ अ क्रूजर मोटरसाइकिल तो कंफर्टेबली क्रूज करने के लिए है एंड ऑब्वियसली देर इज़ अ लॉट ऑफ पावर अंडर इट. अब बात करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी की बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी हियर एज वेल. पास आओ एक बार. यहाँ पे जो सेंटर में इसके स्क्रीन है उस पे आपके पास सबसे पहले यहाँ पे जो आपके ड्राइविंग मोड्स हैं उस पे चलते हैं. ये रहे, अब ड्राइविंग में क्या है ये आपको बताएगा कि आपकी फ्यूल रेंज कितनी है. तो फ्यूल रेंज ये बता रहा है 59 किलोमीटर्स की है, किलोमीटर्स अभी जितने ट्रैवल किए हैं. एवरेज स्पीड अभी खैर हमने चलाई नहीं है ऑब्वियसली एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके गियर्स हैं. एंड इसको और आगे कर लो तो मैंने अपना फ़ोन जो है ब्लूटूथ से इससे कनेक्ट किया हुआ है एंड दैट डेफिनेटली इज़ एन ऑप्शन दैट यू गेटिंग. फ़ोन को एक बार आपने इससे कनेक्ट कर दिया देन यू कैन जस्ट एक्सेस द फ़ोन विद दिस बटन. मेरा फ़ोन इससे कनेक्टेड है. ऑल आई नीड टू डू इज़ अगर कॉल्स पे जाऊँ आई कैन मेक कॉल्स ओवर हियर. कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं एंड बेसिकली दीज आर कॉल्स दैट यू कैन मेक एन आंसर फ्रॉम इट. अच्छा, कॉल्स जो है आप आंसर कैसे करोगे. कॉल्स आंसर करने के लिए इन्होंने स्पीकर्स दिए हुए हैं, 100 वॉट्स के इसमें स्पीकर्स आपको मिल रहे हैं ऑन विच आर राइट देयर इन फ्रंट. एक बार गाना सुन के देख लो इस पर व्हाट इट साउंड्स लाइक. एक स्पीकर ये रहा और दूसरा वाला यहाँ पे. बट इसमें मैं आपको कॉल करके नहीं सुनाना चाह रहा, आई वांट टू मेक यू लिसन टू समथिंग एल्स. दिस इज व्हाट इट साउंड्स लाइक. ऑडियो को कंट्रोल करने के लिए ये बटन्स भी हैं यहाँ पे, इससे आपका वॉल्यूम जो है. सो द स्पीकर्स ऑल्सो फेयरली लाउड बट ऑब्वियसली जब बाइक जो है उसको आप ऑन करोगे तो यू विल नीड स्पीकर्स ऑफ दैट वॉल्यूम टू एक्चुअली हियर व्हाट यू आर लिसनिंग टू. अब बात करते हैं इसके जो आपको ऑप्शंस और मिल रहे हैं. नेविगेशन का ऑप्शन आपको साथ में मिल रहा है बट फॉर नेविगेशन यू नीड टू गेट द रजिस्ट्रेशन डन विद इंडियन फर्स्ट और उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक एंटेना भी दिया हुआ है पीछे. नेविगेशन जो है दिस इज अ फुली फंक्शनल एंटेना, ये शो के लिए नहीं है बट इट्स वेरी मच देयर फॉर दिस पर्पस एज वेल. तो इसमें आपको इंजन आवर्स ये बता रहा है, ऑयल चेंज के लिए बता रहा है एग्जैक्टली कब, टायर प्रेशर भी आपको बता रहा है फ्रंट एंड रेयर एंड यू आर गेटिंग ऑल योर इन्फॉर्मेशन राइट है. अब इसके अलावा अगर लॉक आपने करना है तो बाइक को आप लॉक कर सकते हैं यहाँ से और अनलॉक करना है दैट कैन ऑल्सो बी डन राइट फ्रॉम हियर. और एक कंपार्टमेंट इसमें और है बिल्कुल यहाँ सामने,
इसको हम पॉप ओपन करेंगे तो नीचे आपके पास चार्जिंग के लिए ऑप्शन है, यहाँ मैंने यूएसबी लगा रखी है, अभी यूएसबी हटा दें तो आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं इस पर, एंड फ़ोन को रखने के लिए भी इसमें आपको ये कंपार्टमेंट मिल रहा है, यू कैन जस्ट कीप इट हियर। लाइट्स को ऑन करना है तो वो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और है इसमें, दे कॉल इट द इंडियन ट्रॉफी, वो आप लाइट्स ऑन करोगे तो ये यहाँ पे ये जो इंडियन का जो सिंबल है उसी के ही शेप में दे हैव गिवन अ स्मॉल लाइट राइट इन फ्रंट, छोटा सा हैलोजन दिया हुआ है यहाँ पे, विच कैरीज द ब्रांड वैल्यू विद इट। सो दिस इज व्हाट द चीफटेन क्लासिक इज ऑल अबाउट, वेरी इंटरेस्टिंग, ऑब्वियसली लुक्स लाइक अ बीस्ट और अच्छे खासे साइज की है। अब मैंने आपको बता दिया, अब मैं थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ इस पर, एंड यू कैन स्टिक अराउंड एंड वॉच व्हाट वी आर डूइंग विद इट। आपको कैसी लगी ये बाइक प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो अगर अच्छा लगा, ऐसे वीडियोस आप और देखना चाहते हो और बाइक्स के बारे में जानना चाहते हो, देन प्लीज़ लाइक अस ऑन फेसबुक, फॉलो अस ऑन फेसबुक, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब टू अस ऑन यूट्यूब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने भी ऐसे इंटरेस्टिंग बाइक्स के बारे में, कार्स के बारे में, गैजेट्स के बारे में हम आपके लिए वीडियोज़ जब बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।